hello. Welcome to my YouTube channel. So, title देखके आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी नए हैं तो मैं ये चैनल पे मेकअप, ब्यूटी, फैशन, लाइफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ. एंड मैं ज़्यादातर यही चैनल पे टॉक पे एक्टिव रहती हूँ. हर रोज़ टॉक पे मेरी एक वीडियो अपलोड होती ही है. तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेकअप, फैशन, ब्यूटी रिलेटेड कॉन्टेंट में, वीडियो में, तो यार डू चेक आउट माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वो नोटिफिकेशन बेल जो है उस पर भी क्लिक कर देना. तो मैं जब भी न्यू वीडियो लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड या मेरी वीडियो आपको 100% हेल्प आउट करेगी. तो डू चेक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर. तो यहाँ बनते हैं वीडियो में मेन जो टॉपिक है आज का उसकी तरफ. तो यहाँ तो आज का जो मेन टॉपिक है तो मैं बात करने वाली हूँ अबाउट टू प्रोडक्ट. तो ये वो दो प्रोडक्ट है एंड ये दोनों प्रोडक्ट है हेल्प स्प्रे, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है. मैं डिटेल में बात करूँगी. तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये है केटीन ब्रांड के हेल्थ स्प्रे. तो एक है हीट कंट्रोल, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे एंड एक जो है वो है हेल्थ स्प्रे. डेली रूटीन में भी आप ये अप्लाई कर सकते हो. तो चलिए बात करते हैं डिटेल में. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ये जो है केटीन ऑल इन वन नेचुरल हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे. तो बेसिकली ये है हेयर स्प्रे. आपको जब भी हेयर स्टाइलिंग करनी होती है, हेयर कल करने होते हैं, स्ट्रेट करने होते हैं, बेसिकली उसके पहले आपको ये हेयर स्प्रे अब सिंपल अपने बालों पे अप्लाई करना है, स्प्रे करना है. हर एक छोटे छोटे सेक्शन को लेकर स्प्रे करना है. देन आपको हीट करना या हीट जो भी ट्रेटनर है वो आप अप्लाई करोगे, उसके पहले आपको ये अप्लाई करना है. एंड हेयर स्टाइल हो जाने के बाद भी आपको हेयर को चेक करने के लिए ये स्प्रे करना होता है. तो यह इतना सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव एंड बहुत सेफ है अपने हेयर स्टाइल. केटीन ऑल इन वन नेचुरल हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है. उसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं. तो इट इज बायोटेक्नोलॉजिकली फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट एंड इट इज नॉर्मल टू ड्राई हेयर एंड कर्ली हेयर. तो यार अगर आपके ड्राई हेयर है तो आपको ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा. तो ये है बेसिकली नो सिंथेटिक कलर, नो अल्कोहल, नो सिलिकॉन, नो पैराबेन एंड नो सल्फेट. तो बेसिकली जितने भी हार्ड केमिकल होते हैं हेयर स्प्रे में रूटीन में वो इसके अंदर नहीं है. और इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट है, फॉर एग्जाम्पल आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, विटामिन ई, प्रो विटामिन बी फाइव, सोया प्रोटीन, एलोवेरा एंड केराटिन. वाओ, आई जस्ट लव दिस इंग्रेडिएंट. और मुझे ये प्रोडक्ट इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि ये कोरियन बेस्ड टेक्नोलॉजी है लेकिन मिक्स विद इंडियन आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट. तो इंडियन टचअप भी है, कोरियन टेक्नोलॉजी भी है और मेन बात इसके अंदर कोई भी हार्ड केमिकल नहीं है एंड ये क्रुएल्टी फ्री है, वीगन है. Wow, I just loved it. Wow. एंड इसके ऊपर मेंशन है कि प्री एंड पोस्ट स्टाइलर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपको हेयर स्टाइल करनी है, अर्न करना है या ट्रेड करना है, वॉट एवर, तो उसके पहले भी आपको हेयर स्प्रे अप्लाई करना है एंड हेयर स्टाइल हो जाने के बाद भी आपको हेयर स्प्रे करना है. तो ये आपके हेयर को स्टाइली एंड स्मूथ थ्रू आउट दी डे रखेंगे. एंड इसके ऊपर है मेंशन की केराटिन बूस्टर, फ्रिज फ्री हेयर कलर प्रोटेक्शन. वाओ, एंड इट इज ऑल्सो ओवरनाइट हेयर रिपेयर. वाओ, अगर आप इसे ओवरनाइट भी अप्लाई करके रहने देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो. इसके ऊपर मेंशन है कि ये एज अ हेयर सीरम भी वर्क करता है. तो आपको ओवरनाइट हेयर स्प्रे करके रहने देना है, अपने हेयर को रिपेयर करना है तो भी आप कर सकते हो. तो इसकी प्राइस है 350 rupees एंड आपको 2 years की सेल्फ लाइफ मिल जाती है. तो ओवरऑल बात करें ये प्रोडक्ट के बारे में तो वाओ, आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आप ज़्यादातर हीट टूल अप्लाई करते हो अपने बालों में. तो और अगर आपको हेयर स्प्रे नेचुरल इन्ग्रीडियंट वाले चाहिए देन मस्ट यूज दिस प्रोडक्ट. आई हाईली सजेस्ट दिस प्रोडक्ट. और जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है केटीन नेचुरल केराटिन हेयर स्प्रे. तो इसके अंदर बेसिकली केराटिन ज़्यादा है. तो ये जो है वो है प्लांट बेस्ड केराटिन
Pro-vitamin B5 and flaxseed. OMG, wow. Flaxseed भी अवेलेबल है ये वाले हेल्थ में. तो ये वर्टिकल यूज है, मतलब आप कई तरह से इसे यूज कर सकते हो. तो फर्स्ट है केराटिन रिस्टोरेशन, वाव. ड्राई डैमेज हेयर थेरेपी, वाव. एंटी फ्रीज, ओके. एंड हेयर नरिशमेंट एंड एड स्लाइन. तो अगर आपके वालों में ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है, फ्रिजी हेयर है, स्लाइन नहीं है, एंड अब जो आपको प्रोटीन थेरेपी की तरह आपको यूज करना है, तो ये फिजिकली आप हर रोज अप्लाई कर सकते हो. ये हेयर स्प्रे है तो ऑल इन वन काम करेगा. ये आपको हेयर को फिजिकली रिपेयर करेगा. तो इसके ऊपर लिखा हुआ है स्प्रे डेली फॉर मैनेजिंग एंड इम्प्रूविंग योर हेयर केयर रूटीन. तो ये आप अपने डेली हेयर केयर रूटीन में यूज कर सकते हो. हर रोज आप अपने बालों पे स्प्रे करके कोई भी हेयर स्टाइल करके या ना करो, फिर भी आप ये हेयर स्प्रे अप्लाई कर सकते हो. एंड इसे आप ओवरनाइट भी हेयर स्प्रे करके ऐसे ही रहने दे सकते हो. तो ये आपका ऑल इन वन प्रोडक्ट है, मतलब आप हेयर स्टाइल करो या ना करो, ये तो आपको हेयर स्प्रे करना ही है हर रोज और हेल्दी हेयर. एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है वो जब भी आप कोई भी हेयर स्टाइल करते हो, कोई हेयर टूल अप्लाई करते हो, उससे पहले एंड उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो. तो बेसिकली दोनों प्रोडक्ट OMG मुझे बहुत अच्छे लगे. आई हाईली सजेस्ट दिस टू प्रोडक्ट. अगर आप एज अ हेयर सीरम भी यूज करना चाहते हो या हेयर स्प्रे की तरह भी यूज करना चाहते हो, मत यूज ट्राई दिस प्रोडक्ट. आई हाईली सजेस्ट दिस टू प्रोडक्ट. तो यार ये था डिटेल में ये दोनों प्रोडक्ट की डिटेल. तो ये अगर आपको अपने हेयर को डैमेज होने से बचाना है तो मत ट्राई दिस टू प्रोडक्ट. ये दोनों प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से हेल्प आउट होगी. तो या अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ पे चेक कर लेना. आज एक वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मेरे ब्लॉग पे एक्टिव रहना है. मैं हर रोज रात को 7 बजे डेली वीडियो अपलोड करती हूँ वहाँ पे. तो या डू चेक आउट माई चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर. एंड या आई लव यू ऑल. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. तो या बाय.